बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं पोहा की रेसिपी बहुत ही सिंपल और टेस्टी वे में, और ये बहुत हेल्दी भी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पोहा, और इसको है ना धो लेंगे नल के पानी में, छीटा वगैरह नहीं लगाएंगे, धो लेंगे और पानी पूरा ड्रेन कर लेंगे, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने लिया है सेंग, जो कि कच्चे सेंग थे, और मैंने इसको रोस्ट कर लिया है और इसका जो छिलका रहता है वो निकाल लिया है। यहाँ मैंने बहुत सारा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, और ये लेमन टू टेस्ट, और यहाँ बघार के लिए मैंने लिया है राई और कड़ी पत्ता, और यहाँ पर मैंने लिया है दो टमाटर चॉप किया हुआ, दो टमाटर और चॉप किया हुआ, रफली चॉप किया हुआ दो ऑनियन बड़े बड़े, और यहाँ पर मैंने चार ग्रीन चिली सीड कर लिए हैं। तो यहाँ बड़े बड़े जो चिलीज होते हैं वो मुझे अच्छा लगता है मुँह में आता है। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में चलते। तो इसे मैंने नल के पानी में धो लिया है, और जो भी पानी एक्स्ट्रा था वो नीचे निकल गया है, तो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं बहुत सारा धनिया, इतना सारा धनिया, और मिक्स कर लेंगे। और यहीं पे मैं सॉल्ट भी ऐड करूंगी, क्योंकि फिर बाद में है ना नमक बराबर ऐड होता नहीं है। नमक और हल्दी, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, थोड़ा सा हम बाद में ऐड करेंगे, वो मिल जाएगा बस। इसे हमने मिक्स कर दिया, अब चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में। तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ राई और कड़ी पत्ता, और राई को कड़कने देंगे। राई को कड़कने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे आधा चम्मच हल्दी कलर के लिए, और तुरंत ही ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ अनियन यानी प्याज। प्याज को ना जलाना है ना ब्राउन करना है, सिर्फ गुलाबी होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हो गुलाबी हो चुका है, और इसको अब इससे ज्यादा नहीं हम ब्राउन करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, टमाटर को भी थोड़ा मैश करेंगे, पूरा एकदम मैश नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से गल जाए। तो आप देख सकते हो कि जो टमाटर थे वो भी सॉफ्ट हो रहे हैं, और हो भी चुके हैं सॉफ्ट। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये सेंग भुना हुआ, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये ग्रीन, एक मिनट इसे भी भून लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जो पोहा हमने भिगो के रखा था, वो पोहा ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो पोहा था बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुआ है, और ना ही बहुत ही ज्यादा ये हार्ड है, तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के लिए ढक देंगे इसे। ओपन कर लेंगे। तो एक मिनट हो चुके हैं गाइस, और ये बिल्कुल भी रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब हम स्विच ऑफ कर देंगे, फ्लेम बंद कर देंगे, एंड इसमें हम ऐड कर रहे हैं लेमन जूस। मिक्स कर लेंगे एंड इसे सर्व कर लेंगे हम।
ये हमारा टेस्टी पोहा रेडी है। तो देख सकते हो टेस्टी मजेदार पोहा, वेरी कलरफुल पोहा रेडी है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, और दुआ में जरूर याद रखिएगा।